फ्री फायर की ये कुछ सीक्रेट सेटिंग्स प्लस वन टैप हेडशॉट मारने के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी, जिन्हें अप्लाई करने से तुम्हारा गेम प्ले तो नेक्स्ट लेवल हो ही जाएगा। और इनमें से कुछ सेटिंग्स तो ऐसी हैं जिन्हें करने से तुम एनिमी की लोकेशन तक पता कर सकते हो, और अगर साथ में तुम्हारा फोन लैग भी होता है तो कुछ सेटिंग करने से वो भी लैग नहीं होगा। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें फ्री फायर की ए टू जेड ऑल सेटिंग्स के बारे में चुन चुन के बताऊंगा। उसके लिए एक वीडियो को लाइक तो बनता ही है ना। तो सारी सेटिंग्स को सही से करने के लिए हम अपनी सेटिंग्स वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, और सबसे पहले हम अपनी बेसिक सेटिंग्स को सही से करेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप है अपने अकाउंट को सेव करना, मतलब फेसबुक या जीमेल से अपने अकाउंट को अटैच कर देना। और जब तुम्हारा अकाउंट फेसबुक से अटैच हो जाएगा तो तुम्हें स्टेटस में ये फेसबुक का लोगो दिखेगा, और अगर तुम्हें अपने स्टेटस में फेसबुक या जीमेल का लोगो नहीं दिख रहा है तो प्लीज यार अपने अकाउंट को फेसबुक या जीमेल से लॉग इन कर लेना। आज मूड नहीं कर रहा। फिर जस्ट इसके नीचे तुम्हें ऑटो डाउनलोड रिकमेंडेड रिसोर्सेस इसका ऑप्शन मिलता है, तो तुम्हें इसको ऑफ ही रहने देना। देन इसके नीचे तुम्हें सेटिंग सिंक का ऑप्शन मिलता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। मान लो ये तुम्हारा कस्टम एचयूडी है जिसपे तुम खेलते हो, और अगर तुमने अपना फोन अपने भाई को या अपने फ्रेंड को दिया और उसने गेम खेल कर ये सारा कस्टम एचयूडी बिगाड़ दिया, तो तुम्हें तो पता ही है कि दोबारा से कस्टम एचयूडी को बनाना कितना हार्ड रहता है। लेकिन अगर तुमने अपना सारी सेटिंग्स को यहाँ पे अपलोड करके रखा है, देन तुम उसको सिर्फ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तुम सेकंडों में अपनी पहली वाली कस्टम एचयूडी ला सकते हो। अब सेटिंग सिंक के नीचे तुम्हें ब्राउजर मिलता है, तो इसको यार इग्नोर मारो। देन जस्ट इसके नीचे तुम्हें रिपोर्ट नेटवर्क इशू मिलेगा। तो देखो, अगर तुम्हें गेम प्ले करते टाइम तुम्हारी पिंग अचानक से एकदम से हाई हो जाती है जबकि तुम्हारी इंटरनेट की स्पीड ठीक है, देन तुम्हें सेंड रिपोर्ट कर देना, इससे तुम्हारी पिंग कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। अब देखो हमारी बेसिक्स की सारी सेटिंग सही से हो गई। देन अब हम चलते हैं कंट्रोल्स पर, क्योंकि बेस्ट सेंसिटिविटी तुम्हारे डिवाइस के अकॉर्डिंग मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसे तुम इजीली से ड्रैग एंड वन टैप हेडशॉट मार सकते हो। तो देखो, कंट्रोल्स में तुम्हें सबसे पहले एम प्रिसीजन मिलेगा, और इसमें तुम्हें तीन ऑप्शन मिलेंगे, पहला डिफॉल्ट, दूसरा प्रिसाइज ऑन स्कोप एंड लास्ट फुल कंट्रोल। तो तुम्हें इसे डिफॉल्ट पे ही सेट कर देना है, क्योंकि जब भी तुम फायर बटन को ड्रैग करोगे तो तुम्हारा एम एनिमी के हेड पे या बॉडी पे लॉक अपने आप ही हो जाएगा। और अगर तुम इसे प्रिसाइज ऑन स्कोप पे सेट करोगे तो जब तक तुम स्कोप को ओपन नहीं करोगे तब तक ये डिफॉल्ट पे वर्क करेगा। स्कोप खोलने पर तुम्हें अपने एम को बंदे पे सेट करना पड़ेगा, जिससे तुम्हें दूर के एनिमी को मारने में परेशानी होगी। अब लास्ट फुल कंट्रोल, और इस पे तो सेट भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि इसे करने से तुम एक भी गोली बंदे को टच नहीं कर सकते हो। तो सिंपली से तुम्हें इसे डिफॉल्ट पे ही सेट करना है। देन इसके नीचे आता है लेफ्ट फायर बटन, तो तुम्हें इसे भी ऑलवेज पे सेट करके रखना है, जिससे तुम्हें फास्ट ग्लू वॉल और जंप शूट करना भी आ जाएगा, जैसा कि तुम हैंड कैम पे देख रहे हो। देन जस्ट इसके नीचे तुम्हें होल्ड फायर टू स्कोप मिलेगा, और अगर तुम स्नाइपर को यूज करते हो तो इसे तुम ऑन करके रखना, मतलब जब भी तुम्हारे हाथ में स्नाइपर होगी और अगर तुम फायर बटन को प्रेस करोगे तो स्कोप अपने आप ही खुल जाएगा, और जैसे ही फायर बटन से हाथ हटाओगे तुम्हारी स्नाइपर चल जाएगी। देन उसके नीचे तुम्हें क्विक वेपन स्विच मिलेगा, तो अगर तुम थ्री फिंगर या फोर फिंगर पे खेलते हो तो तुम्हें इसे ऑन कर देना। क्विक वेपन स्विच को ऑन करने से तुम्हें ये वाला बटन मिलेगा, और इसे यूज करना कैसे है वो तो तुम हैंड कैम में देख ही रहे हो। क्विक वेपन स्विच के जस्ट नीचे तुम्हें क्विक रिलोड का ऑप्शन मिलता है, तो तुम्हें इसे ऑफ ही रहने देना है, क्योंकि बेसिकली इसे ऑन करने से तुम्हें ये वाला बटन मिल जाएगा, और इसका काम भी गन को रिलोड करना, लेकिन गन को रिलोड तो तुम गन वाले बॉक्स पे टैप करके भी कर सकते हो। देन इसके नीचे तुम्हें रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस है, तो इसे तुम अपने अकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हो। बेसिकली ऑन कर देने से जब तुम अपने गन को रिलोड करोगे तो तुम्हें कुछ यहाँ पे ऐसा एनिमेशन दिखेगा। फिर इसके नीचे तुम्हें फ्री लुक का ऑप्शन मिलता है, तो तुम्हें इसे भी ऑन कर देना। इसे ऑन करने से तुम्हें ये वाला बटन मिलता है, जिससे तुम रन करते टाइम किधर भी देख सकते हो। इसके बाजू में ऑटो स्विच गन मिलता है, तो अगर तुम इसे ऑन कर देते हो तो जब तुम्हारे पास दो गन रहेंगे और फायर करते टाइम बाई चांस एक गन में गोली खत्म हो जाती है, तुम्हारी गन अपने आप चेंज हो जाएगी और दूसरी गन से फायर होने लगेगा। फिर तुम्हें इसके नीचे बीआर स्कोर बोर्ड मिलेगा, तो तुम्हें इसे भी ऑन कर देना। इसे ऑन करने से जब भी तुम रैंक मैच खेलोगे तो तुम अपने टीममेट के नेम के ऊपर टच करके देख सकते हो कि उनके पास कितनी मेडिकेट है, कितने उनके किल हुए हैं या उन्होंने बंदे को कितना डैमेज दिया है। देन तुम्हें इसके नीचे आइटम फाइंडर का ऑप्शन मिलेगा, तो तुम्हें इसे रिकमेंडेड पे सेट करना है, जिससे अगर तुम्हारे पास कोई भी आइटम्स की कमी होगी लाइक वेस्ट, हेलमेट और भी कुछ, तो वो आइटम अगर तुम्हारे आसपास होगा तो तुम्हें वो एसएसओ होने लगेगा। देन इसके नीचे तुम्हें ग्रेनेड स्लॉट मिलता है, जिसे तुम्हें डबल पे सेट करना है, जिससे तुम ग्रेनेड और ग्लू का स्लॉट अलग अलग रख सकते हो। फिर तुम्हें ग्लू वाल स्मार्ट थ्रो मिलेगा, और इसे तुम अपने अकॉर्डिंग ही ऑन ऑफ करना। बेसिकली इसे ऑन करने से होगा ये कि जब भी तुम ग्लू वाल पे टच करोगे तो ग्लू वाल बिना फायर बटन पे क्लिक किए लग जाएगी। और फिर इसके नीचे परमानेंट ग्लू वाल बटन है, तो इसे तुम्हें ऑफ ही रहने देना है, क्योंकि अगर तुम इसे ऑन कर दोगे तो तुम्हारे पास ग्लू वाल नहीं भी होगी
क्योंकि फिर भी तुम्हें ग्लोबल का ऑप्शन विद जीरो दिखाएगा। देन इसके बाद तुम्हें मूवमेंट में रन मोड के तीन ऑप्शन मिलेंगे, क्लासिक, ड्रैग और मिक्स्ड। तो तुम्हें इसे क्लासिक पे सेट करना है क्योंकि ड्रैग पे सेट करने पर तुम्हें रन बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा करेक्टर भागेगा। और मिक्स्ड पे सेट करने पर ड्रैग और बन क्लिक रन दोनों काम करेंगे, लेकिन मिक्स्ड पे सेट करने पर तुम्हें कंफ्यूजन होगी, इसीलिए तुम्हें इसे क्लासिक पे ही रहने देना है। इसके नीचे व्हीकल कंट्रोल, तो इसे तुम्हें 200 पे सेट करके रखना है। देन इसके नीचे की सारी सेटिंग्स नोटिफिकेशन की और विजुअल्स की है, मतलब जब भी तुम किसी बंदे को मारते हो तो तुम्हारा डैमेज कैसा दिखता है, तुम्हारा किल फीड कैसे आता है, तो तुम्हें इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। कंट्रोल्स की सारी सेटिंग्स को सेट करने के बाद अब हम ऑटो पिकअप को सेट करेंगे। तो ऑटो पिकअप में तुम्हें सारी चीजों को ऑन कर देना, और लास्ट वाला तो जरूर से ऑन करना, जिससे तुम्हारा करेक्टर फास्ट से सब चीजें उठाएगा। देन उसके बाद जो में प्रायोरिटी को ऑप्शन मिलेगा, बेसिकली इसका मतलब ये है कि कौन सा आइटम तुम्हारे करेक्टर पहले उठाएगा। वेल, इसे तुम जैसे मैंने सेट करके रखा है वैसे तुम सेट कर सकते हो। पहले करेक्टर तुम्हारी बंदूक उठाएगा, देन उसकी एमओ जितनी तुमने सेट करके रखी है, फिर मेडिकेट और कौन सी मेडिकेट कितनी सेट करना है वो भी तुम देख रहे हो। देन सीरियल से ये सब कुछ लगा देना है, और साथ में तुम्हें क्लैश स्क्वाड में कुछ इस तरह से सेट कर देना है। और इसे सेट करने से तुम्हारी ऑटो पिकअप की सारी सेटिंग बेस्ट हो जाएंगी। देन अब हमारी आती है डिस्प्ले की सेटिंग, और इसमें कुछ ऐसी सेटिंग्स है जिससे तुम एनिमी के लोकेशन तक पता कर सकते हो। लेकिन यार अगर तुम वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो यार प्लीज यार एक वीडियो को लाइक तो कर ही देना। तो देखो डिस्प्ले में तुम्हें सबसे पहले तुमको ग्राफिक्स का ऑप्शन मिलता है, और अगर तुम्हारे पास लो डिवाइस है तो तुम्हें स्टैंडर्ड पे ही सेट करके रखना है, और अगर तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी डिवाइस है तो तुम इसे अल्ट्रा पे या फिर मैक्स पे सेट कर सकते हो। लेकिन अल्ट्रा पे सेट करने पर तुम्हें गरेना खुद ही नोटिफिकेशन देता है कि इससे तुम्हारा फोन लैग और हीट भी हो सकता है। देन अगेन तुम्हें नीचे हाई एफपीएस का ऑप्शन मिलता है, अगर तुम्हारे पास अच्छा डिवाइस है तो तुम इसे हाई पे सेट कर देना, और अगर तुम्हारे पास लो डिवाइस है तो इसे तुम नॉर्मल पे ही सेट रहने देना। देन इसके नीचे ऑटो स्केल, तो इसे यार इग्नोर मारो, और मिनी मैप इसे तो रोटेशन पे ही रहने देना। देन नॉच स्क्रीन को तुम अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर देना। अब डिस्प्ले की सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग जिससे तुम एनिमी की लोकेशन पता कर सकते हो, और वो है गन शॉट अलर्ट। तो बेसिकली इसे ऑन करने से कोई भी बंदा तुम्हारे आसपास फायर करेगा तो जिस साइड से फायर आएगा तुम्हारे कैरेक्टर पर उस साइड पे कुछ ऐसा शो होने लगेगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि एनिमी कहाँ है। देन साउंड में तुम ऑडियो को अपने हिसाब से सेट कर लेना। अब ऑडियो की सारी सेटिंग्स करने के बाद अब हम चलते हैं रिकॉर्डिंग में। तो तुम्हें रिकॉर्डिंग के सारे ऑप्शन को ऑफ करके रखना है। इसे ऑफ करने से तुम्हारा गेम प्ले लैग नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास लो डिवाइस है और अगर तुमको ऑन करके खेलते हो तो तुम्हारा गेम प्ले भी अपने आप रिकॉर्डिंग होने लगेगा, जिससे तुम्हारा फोन हीट और लैग दोनों होगा। इसे तुम ऑफ ही रहने देना। तो देखो फ्री फायर की जितनी सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी वो मैंने तुमको सारी बता दी है, और बची सेटिंग्स जैसे वाइब्रेशन, नेटवर्क, नोटिफिकेशन और एफएफ मैक्स, तो इन सारी सेटिंग्स को जैसे मैंने कर रखा है वैसे तुम कर सकते हो। और अगर तुम्हें अपना गेम प्ले और इम्प्रूव करना है, जिसके लिए तुम्हें थ्री फिंगर पे शिफ्ट होना है, लेकिन तुम्हें थ्री फिंगर का बेस्ट कस्टम एचयूडी नहीं मिल रहा, तो उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हो, और मैं भी तुमको वही मिलता हूँ।